प्रदेश के ग्वालियर शहर में गोला का मंदिर थाना पुलिस ने नकली इंजन ऑयल बनाने और नकली ऑटो पार्ट्स बेचने वाले एक शातिर व्यापारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि शहर में और देहात में नकली इंजन ऑयल और नकली ऑटो पार्ट से खपाए जा रहे हैं, जिस पर छापा मारा गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजेंद्र भदौरिया के घर से भारी मात्रा में बजाज और होंडा सहित अन्य कंपनियों के नकली पार्ट्स मिले हैं। घर में ही खराब इंजन ऑयल को फिल्टर कर नकली इंजन ऑयल बनाते हुए मिला है, और जिसे सर्वो और साथ ही में कैस्ट्रोल आदि के डिब्बों में पैक कर बेचा जा रहा था। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ बताया है कि वह दिल्ली से नंबर 2 वाली मार्केट में नामी कंपनियों के रैपर लाता था, और आरोपी ने अभी पिंटो पार्क, हजीरा और कालपी ब्रिज क्षेत्र में नकली माल बेचने की बात बताई है। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है, और जिन कंपनियों का नकली माल मिला है उन्हें सूचना दे रही है। किस तरह की कार्रवाई की गई है? गोलाका मंदिर थाने के अंतर्गत सूचना मिली थी कि भगत सिंह नगर में एक बड़े स्तर पर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल ऑयल्स जो कि नकली जो बड़ी कंपनियों के नकली रैपर लगा के मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। मार्केट जो मेन ग्वालियर मार्केट में, इसके अलावा ग्वालियर के देहात क्षेत्रों में भी सप्लाई किया जा रहा है। इस आधार पर थाना प्रभारी गोले के मंदिर के द्वारा अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर सर्च किया गया, और यहाँ सर्च किया गया तो यहाँ काफ़ी मात्रा में जो मिलावटी जो रैपर्स होते हैं, जिसमें कि कैस्ट्रोल है, सर्वो है, उसके अलावा बजाज के जो पार्ट्स हैं, क्लिश वायर है, ब्रेक शूज है, फिल्टर है, इस तरह की कई सामग्रियाँ मिली हैं। तो इसका बड़े लंबे स्तर पर इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। कहाँ से लाना बताया ये? अभी इसके द्वारा ये कहा गया कि अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि दिल्ली में जो 2 नंबर का एक मार्केट है, जहाँ से मार्केट से वो ये रैपर्स मिल जाते हैं, और रैपर्स मिलने के बाद फिर ये जो यहाँ से जो ग्वालियर में जो कि जो चला हुआ ऑयल होता है, उस ऑयल को खरीद के फिर यहाँ पर अपने स्तर पर यहाँ पर जो घर के अंदर ही इसको फिल्टर करने के बाद उसको जो डब्बों में भर के, और नकली जो दिल्ली से रैपर्स हैं, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियों के कैस्ट्रोल है, इसके अलावा सर्वो है, और ये बजाज है, हीरो है, तो इन सब के रैपर्स लगा के उसको मार्केट में सप्लाई करता है। अभी तक इसके द्वारा बताया गया कि 3 से 4 दुकानों के बारे में बताया गया जो सप्लाई करता है, जिसमें कालपी ब्रिज है और हजीरा, कालपी ब्रिज क्षेत्र और पिंडो पार्क क्षेत्र अभी सप्लाई करना बताया गया है। और इससे जब प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया कि लगभग 2 से 3 साल से ये काम कर रहा है, और आपने देखा होगा जिस तरह से अंदर से काफ़ी भारी मात्रा में जिस तरह से सप्लाई चल रही है, तो मुझे उम्मीद है कि ग्वालियर में कई क्षेत्रों में सप्लाई कर रहा होगा। तो अभी फिलहाल हम प्रारंभिक पूछताछ करने के बाद इसमें जो भी कंपनी के द्वारा संपर्क किया जा रहा है, कंपनी के द्वारा FIR की जाकर इसमें फिर आगे इन्वेस्टिगेशन की जाकर इसमें जो जो जहाँ जहाँ सप्लाई की जा रही है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कौन सा मामला बनता है इन पर? कॉपीराइट। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।